तो देखिए, अब तक हमने अभी ध्वजांग की बात करी थी, अब हम आगे चलते हैं। ध्वजांग के बाद इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये थी, ठीक है। तो हमने ध्वजांग मेथड को हमने इसमें पढ़ा और साथ ही हमने शून्य साम्य समुच्चय मेथड भी हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब निखिलम विधि तो बहुत ही सिंपल है, निखिलम विधि और जो सूत्र परावर्तन मेथड है वो एक जैसे हैं, सिंपल से हैं। मैं निखिलम का एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ताकि आप सूत्र परावर्तन और निखिलम दोनों आसानी से कर सकें, ठीक है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, ठीक है। तो देखिए मैं एक बता देता हूँ, आपके पास दिया हुआ है निखिलम मेथड से, मैं ला ये बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा निखिलम विधि से भाग, तो निखिलम विधि से हम भाग कर रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम यहाँ से बता देते हैं आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में आपको कहा गया है जो 1245 है उसको आपको डिवाइड किया गया है, वो डिवाइड किया गया है 97 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां चलते हैं, तो 97 से है तो इसके लिए हम आधार ले रहे हैं, तो जो आधार होगा आपका वो हो जाएगा बेस, क्या हो जाएगा आपका 100। आपका जो भाज्य है, ये सॉरी भाजक है, वो भाजक है आपका, यहाँ से दिया हुआ है 97 और यहाँ से आपको इसका लेना है विचलन, तो विचलन हो जाएगा आपके पास 03, ठीक है। जितनी आधार में डिजिट 0 है उतने ही अंक आप विचलन में लिखेंगे, ठीक है। जैसे आधार 10 लेते हैं तो फिर 3 होगा, अगर आधार 100 है तो फिर 03 होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी वही फॉर्मेशन हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम यहाँ से ब्लॉक बनाते हैं। तो हमने इस प्रकार से बनाया, ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक, ये हमारा सेकंड ब्लॉक और ये हमारा थर्ड ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ से हम चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम 97 और यहाँ लिखेंगे हम 03, ठीक है। आपके देखिए यहाँ पर कितने डिजिट हैं, तो इधर आ जाएगा आपके 4 और 5 और इधर हो जाएगा आपके पास 1 और 2। तो जितने विचलन में डिजिट होगी या फिर आधार में जितनी जीरो होगी उतने ही अंक आपको पीछे वाले ब्लॉक में लिखने हैं, यानी कि थर्ड ब्लॉक में लिखने हैं। बचे जो ब्लॉक में जो डिजिट बचेगी उनको आपको इस प्रकार से लिखना है। निखिलम मेथड बहुत ही सिंपल सा मेथड है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये डिजिट दी जाएगी उसको आप यहाँ नोट करेंगे, आपको इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 0 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 0 और 1 को 3 से करेंगे तो यहां नहीं लिख सकते, इसलिए यहां लिखेंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे तो इन दोनों को हम यहां पर यहां लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। फिर 2 को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को आपने 0 से किया तो कितना हो गया 0 और 2 को आपने 3 से किया कितना हो गया 6 हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ हम डैश लगा देते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो इधर तो ये हो गया, अब इधर आपको सिंपल वे में इनको जोड़ना है। 5 और 6 होते हैं 11, हासिल का 1, 4 3 7 और 1 ये हो गए 8। तो आपका जो भागफल हो जाएगा, तो आपका जो भागफल है वो हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 और आपका शेषफल क्या हो जाएगा आपका 81, तो शेषफल हो जाएगा आपका 81, ठीक है। तो इसी मेथड पर हमने आपको सूत्र परावर्तित के क्वेश्चंस भी करवाए थे, तो ये सिंपल से वे में, जबकि मोस्टली जो क्वेश्चंस में अगर भाग पूछा जाएगा तो केवल ध्वजांग विधि से पूछा जाएगा, सूत्र परावर्तित और निखिलम से नहीं पूछा जाता, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निखिलम और सूत्र परावर्तित से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और 1 नंबर में जो आपके पूछा जाता है वो जनरली निखिलम विधि से गुणा या फिर शून्य साम्य समुच्चय से पूछा जाता है, ठीक है। इसी के बाद हम आगे चलते हैं, अब हम एक्सरसाइज सेकंड की ओर हम बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसलिए हम यहाँ पर केवल सेलेक्टेड क्वेश्चंस के ही हम डिस्कशन करेंगे। देखिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2 में मैंने आपको बताया था आपके पास 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक तो आएगा आपके पास अभाज्य गुणनखंड से HCF, तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड से HCF फाइंड करना, ठीक है। फाइंड द HCF बाय द प्राइम फैक्टर मेथड, ठीक है।
तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, आपको मोस्टली ज्यादा तो नहीं, कुछ डिजिट आपको जो प्राइम नंबर है वो आपको पता होना चाहिए, यानी कि आप कुछ थोड़ी सी आपको अभाज्य संख्याएं आप जान लें तो सबसे अच्छा है। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें केवल खुद का और एक का भाग जाता है। मैं यहाँ पर कुछ डिजिट लिख रहा हूँ जो हमारे मोस्टली काम आएगी, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। वैसे 23, 29 बहुत सारी होती है, लेकिन ये मैंने मोस्टली वो लिखी है जो हमारे सिलेबस में है, यानी कि हमारे काम आएगी, ठीक है। तो हम ये अभाज्य संख्याएं आपको मोस्टली याद रखनी है, ठीक है, इनके बिना हम प्राइम फैक्टर मेथड नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपको दो संख्याएं दी गई है, आपको दोनों का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF ज्ञात करना है। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर दिया हुआ है 96 और 40 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड द्वारा क्या ज्ञात करना है, HCF, ठीक है। तो आपको निकालना है HCF, तो उसके लिए हम आपको क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे 96 और यहां लिखेंगे 404। अब इनके प्राइम फैक्टर करेंगे, हमेशा याद रखें सबसे पहले जो भाग दिया जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का दिया जाएगा, इट मीन्स 2 का भाग दिया जाएगा, 2 का नहीं जाने पर 3 का, 3 का न जाने पर 5 का, 5 का न जाने पर 7 का, इसी तरह हम। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, बहुत से बच्चे इनको 2, 3, 5, 7 इनको विषम संख्या नहीं समझे, क्योंकि इसमें 9 गायब है, 7 में 2 है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में हमेशा ये बोल देते हैं 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13। हाँ, मोस्टली ये याद रखें, प्राइम संख्या और ये जो आपके जो ये ओड नंबर है वो दोनों डिफरेंटिव हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 48 टाइम होगा, ठीक है। जिनको 2 से डिवाइड करना नहीं आता है वो 2 से यानी कि उस संख्या का आधा कर दे, तो हमने इसका आधा कर दिया, फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24 टाइम, और फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 टाइम, और 12 को हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 6 टाइम, और वापस 2 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम, और 3 से हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1 टाइम। तो इस प्रकार से हमने इसके प्राइम फैक्टर किए। इसी तरह हम आगे चलते हैं, हम जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 202, और वापस हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 101। अब आपको पता नहीं है 101 है वो एक प्राइम नंबर है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली इससे डिवाइड कर दिया। अब इसको आपको यहाँ पर हम चलते हैं, तो सबसे पहले मैं साइड में, क्योंकि हमारे नीचे जगह कम है इसलिए मैं थोड़ा साइड में कर रहा हूँ। तो यहाँ हमने क्या किया, 96 को लिखा, 96 के आपको प्राइम फैक्टर लिखने हैं, आप पावर्स के रूप में लिख सकते हैं या फिर, ठीक है। तो जनरली हम क्या कर रहे हैं, इनको ऐसे लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, तो यहाँ से हो जाएगा 2 × 2 × कितनी बार आ रहा है, 2 यहाँ से आ रहा है 5 टाइम, तो ये 3 और ये 4, 5 और ये हो गया 6, और यहाँ से हो जाएगा 404, और ये हो जाएगा 2 × 2 × 101। आपने छोटे क्लासों में तो ऐसे पैर बना के सीखा होगा, ठीक है ना, ऐसे बनाते हैं, तो ये ऐसे पैर बनाते हो आप, फिर ऐसे ऐसे, तो आपका जो HCF होता है, यानी कि आप जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मस, ठीक है, तो वो होता है 2 × 2 यानी कि 4, ठीक है। लेकिन ये छोटी क्लासों में होता है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, ठीक है, ये छोटी क्लासों में जिनको नहीं आता वो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, ठीक है। हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर जो लिखेंगे वो पावर्स के रूप में लिखेंगे, ठीक है। HCF और LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, अब इनको पावर्स के रूप में लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा 96, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 × 3 की पावर 1, ठीक है। इसी तरह इधर चलते हैं हम, 404, और यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 2 × 101। तो आपका जो HCF होता है, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखें, आप HCF निकालने के लिए, यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, कॉमन फैक्टर के मिनिमम पावर हम यूज़ में लेंगे,
तो जो भी आपके पास कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर की मिनिमम जो पावर है वो आपको यहाँ पर यूज में लेनी है। अब देखिए कॉमन फैक्टर दोनों में क्या आ रहा है, 2। अब 2 की मिनिमम पावर यानी कि जो सबसे छोटी है, एक तरफ तो है 2 की घात 2, एक तरफ है 2 की घात 5, तो छोटी कौन सी हो जाएगी आपकी, 2 की घात 2 हो जाएगी। इट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको इसका एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है यानी कि आपको लसन निकालना है, नहीं कहा गया है फिर भी, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखे, एग्जाम में जो पूछा जाए वही निकालना है। एग्जाम में केवल एचसीएफ निकालने के लिए कहा गया है, तो आप अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग नहीं लगाएं कि हम तो लसन भी निकाल दें। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बाय द वे मान लीजिए एग्जाम में कभी लसन पूछ लिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहां पर हम क्या करेंगे, ऑल जो फैक्टर्स होंगे, ऑल फैक्टर्स है ना, कि मैक्सिमम हम पावर यूज में लेंगे। अब देखिए कैसे मैक्सिमम पावर हम कैसे यूज में लेंगे, देखो ऑल फैक्टर कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं आपके पास, एक तो बन रहा है 2, एक बन रहा है 3 और एक बन रहा है 101, यही बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 5, 3 की पावर कितनी है, 1 और 101 की भी कितनी है, 1। तो मैं देखिए 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32 इंटू 3 इंटू 101, इट मीन्स 32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 96, और इसको 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, ये तो हो जाएगा यहाँ से 96 और 96 बन जा 96, यानी कि आपका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 96 96, यानी कि 9696 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करने के बाद आप उसको पावर्स के रूप में इस तरह से डिनोट करेंगे, डिनोट करने के बाद अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर की आप मिनिमम पावर ले लेंगे, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो मैं सभी फैक्टर की क्या ले लेंगे, आप मैक्सिमम पावर का यूज करेंगे। ओके, तो आप इससे रिलेटेड आपकी जो एक्सरसाइज दी हुई है उससे क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2.2 के, वो सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आपको जो 2.1 में यूक्लिड विधि दी हुई है आप चाहें तो उसे कर सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्जाम में ओनली प्राइम फैक्टर मेथड पूछा जाता है। इसी के बाद हम आगे चलते हैं, तो अब हम एक्सरसाइज 2.4 की, ठीक है, तो ये आप याद रखें, ये हमने यहां से प्राइम फैक्टर मेथड पढ़ा, इसी के बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक पूछ लिया जाता है, मोस्टली जो पूछा जाता है वो एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, इस एक्सरसाइज में से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, ठीक है, दूसरा पूछा या तो पूछेगा आपसे, देख लीजिए एक्सरसाइज जो 2 है आपके, एक्सरसाइज 2 में से अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ, या फिर पूछेगा शांत दशमलव प्रसार, इन दोनों में से एक पूछा जाता है, शांत दशमलव प्रसार कीजिए। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है वो होता है सिद्ध कीजिए दी गई संख्या अपरिमेय है या परिमेय है। तो सबसे पहले हम चलते हैं शांत दशमलव प्रसार की हम बात करेंगे। तो शांत दशमलव प्रसार होता क्या है उस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए शांत दशमलव प्रसार के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक ऐसी संख्या से हम भाग दें कि भाग देने के बाद वो कुछ दशमलव के कुछ अंकों के पश्चात जाकर रुक जाए या शून्य आ जाए, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 2 पूर्णांक होते हैं तो हर जो होता है, ठीक है, यानी कि कोई भी भिन्न है, ठीक है, 2 पूर्णांकों को आपस में भाग दिया जाता है तो उनका फॉर्मेशन इस प्रकार से होना चाहिए कि हर में जो बनेगा, जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो इस प्रकार से, ठीक है, तो हर जो होगा, हर में जो पावर बनेगी वो 2 की पावर
इंटू फाइव की पावर के रूप में होना चाहिए, ठीक है, और ये पावर्स mn के रूप में हो का, अगर इस रूप का है आपके पास, ठीक है, तो इस रूप का है तो आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, अगर इस रूप का है तो आप बोल देंगे वो शांत दशमलव प्रसार होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने छोटा सा क्वेश्चन लिया 13/80। अब क्या हम देखकर बता सकते हैं कि या शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है? तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 80 के फैक्टर करेंगे जो हम रफ कॉपी में कर रहे हैं। तो सबसे पहले 80 के करेंगे तो 80 के आधे कितने हो जाएंगे, 40, फिर ये 20, फिर 2 से किया फिर 10, फिर 2 से किया फिर हो गए 5, फिर 5 से किया 1। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको सबसे पहले जो भी हर दिया जाएगा उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। सबसे पहली चीज आपको ये पता लगाना है कि उसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या आ रही है या नहीं आ रही है। हमने देखा इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं आ रही है, इट मीन्स इसको हम शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो गए 13 और वहां देखिए 2 कितने टाइम है, 1, 2, 3, 4 टाइम है, यानी कि 2 की पावर 4 इंटू 5। अब देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इनकी पावर्स जो है, इसकी पावर कितनी है 1, कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 4। आपको अगर इनको शांत दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है तो इनके जो पावर्स है वो दोनों क्या होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम गुणा या भाग कर इनको क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तब मैं ये चाहता हूँ कि 5 की घात जो 1 है वो किसके बराबर हो जाए, 2 की घात 4 के। इसलिए मैं इस संख्या को क्या करूँगा, यहाँ पर 5 की घात 3 से नीचे भी गुणा करूँगा और 5 की घात 3 से ऊपर भी गुणा करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या किया, इन दोनों के पावर्स का जो डिफरेंस था वो 3 था, इसलिए मैंने 5 की घात 3 से नीचे भी गुणा किया और ऊपर भी गुणा किया। तो यहाँ पर हम आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 13 × 5 की घात जो 3 है वो कितना हो गया, 125, ठीक है। और यहाँ हम देखेंगे ये हो जाएगा 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 हो गया, ठीक है, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4। अब हम इनको क्या करते हैं, आगे चलते हैं तो हम आगे गुणा करेंगे। ये हमारा रफली वर्क है, ये हमको रफ कॉपी में करना है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए तो हम इसको गुणा करते हैं तो 13×5 65 हो जाएगा, यहाँ से 6 बचेगा और 13×2 26, ठीक है, है ना, 13×5 65 का 6 बचा, 13×2 26, 26 और 6 कितना हो गया 32, यहाँ से बचा 3 और ये हो जाएगा 16×25, ठीक है। अब इनको आप क्या कर सकते हैं, इनकी पावर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2×5 की पावर 4 के रूप में, ठीक है। तो यहाँ से आपने इस प्रकार से इसको लिखा, इसके बाद आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 16×25 और बटे, देखो 2×5 कितने होते हैं 10, 10 की घात कितनी 4, ठीक है। तो मैं यहाँ नीचे आता हूँ तो हो गए 16×25, 10 की घात 4 का मतलब आपको इसको डिनोट करना है तो ये आपके पास हो गए 10,000, ठीक है, यानी कि 10,000। अब आपको दशमलव लगाना है तो दशमलव लगाने के लिए आप पहले देखो नीचे कितनी जीरो है, 1, 2, 3, 4, तो आपको इस संख्या में पहले तो ये संख्या नोट कर लीजिए। अब यहाँ से पीछे से आप काउंट करना शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, तो 4 के बाद आप क्या लगा देंगे पॉइंट, और इधर कुछ नहीं है तो आप यहाँ क्या लगा देंगे 0, क्या लगा देंगे 0, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से क्या करना था, इसको ये इस तरह से इसको आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना था, ठीक है। तो हमने उसको लिखा, तो हम आगे चलें, ठीक है। तो आई होप, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि आपका जो डाउट है वो बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा। हम एक डिजिट ले रहे हैं, ठीक है,
तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ 17/25। अब हमने ये डिजिट लिया है, ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, 17/25 हमने यहाँ पर एक डिजिट लिया है। अब आप इसका प्राइम, यस, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 2। तो फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर आपने तो बोला था हर में 2 और 5 के अलावा नहीं होना चाहिए, तो देखिए आपके पास तो 2 भी नहीं आया, क्यों 2 नहीं आया है, तो हम 2 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर भी 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया 17 है, और ऊपर लिख सकता हूं 5 × 2 की पावर, क्या लिखूंगा 2, ठीक है। अब तो यहां पर 17 चौक कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 5 और इसके इसका पावर 10, तो ये हो जाएगा 68, और इसको आपको 100 से डिवाइड करना है 8 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो ये शांत दशमलव प्रसार का हम टॉपिक लेकर चले, तो इसमें भी हमने यही सीखा कि आपको कैसे ना कैसे इसकी 2 की पावर और 5 की पावर बनाना है। यदि किसी क्वेश्चन में 2 और 5 के अतिरिक्त कुछ अन्य आ जाता है तो वो अशांत संख्याएं हो जाएगी, इसलिए उनका दशमलव प्रसार नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब हम दूसरी जो एक्सरसाइज है उससे जो क्वेश्चन लेंगे, हमारा लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो है अपरिमेय संख्याएं। क्या दिया हुआ है, लास्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें दिया हुआ है अपरिमेय संख्याएं, तो सिद्ध करना है आपको अपरिमेय संख्याएं दी हुई है, तो अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना है। तो जैसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेती है 6+√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब ये सोचकर चलें जो आपको सिद्ध करना है, ठीक है, तो उसको हम क्या मान लेते हैं, हम हमारा कंक्लूजन हम मान के चलते हैं, हमने मान लिया, माना 6+√3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, और चूंकि हम जानते हैं परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q या A/B के रूप में लिखा जा सकता है, जहां बी इज नॉट इक्वल टू 0 और ए व बी सह अभाज्य संख्याएं है, पूर्णांक भी बोल सकते हैं, सह अभाज्य संख्याएं पूर्णांक ही होती है, ठीक है, मोस्टली, ठीक है ना। तो इसको आप यहां पर सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि आप इसको पूर्णांक ही लिख दीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया, अब इसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको हम यहां से A/B के रूप में, हमने इसको डिनोट किया था, तो A/B, और यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हमने क्या लिया डिजिट 6+√3। तो सबसे पहली चीज है, आपको जो रूट वाली जो डिजिट दी हुई है उसको आप छोड़ देंगे, बाकी जो डिजिट बची हुई है उसको पक्षांतरण करेंगे, तो ये 6 इधर आएगा, तो ये किसमें बदल जाएगा, माइनस में, तो ये माइनस का 6 और इधर आपके पास बचेगा √3, और आप यहां लिख देंगे पक्षांतरण से, तो ये हो गया आपका पक्षांतरण से। अब यहां पर आप इसका LCM लेंगे, तो LCM क्या आएगा, बी से भी कैंसिल हो जाएगा, यहां से बचेगा ए माइनस, बी को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6B और बराबर √3।
ठीक है। अब ये देखिए, ये यहां पर ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब इसको आप ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर मैं इधर नोट कर रहा हूं, देखिए यहां पर चूंकि चूंकि ए व बी पूर्णांक है, ए व बी पूर्णांक है, अतः ए माइनस सिक्स बी अपॉन बी भी एक पूर्णांक होगा, एक पूर्णांक होगा, जबकि जबकि देखिए रूट टू हो, रूट थ्री हो, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट सिक्स, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर जो भी संख्याएं आपके रूट में आएगी वो सब अपरिमेय होगी, जबकि रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब एक बात मेरे को ये बताइए, ये संख्या अब इधर ए और बी पूर्णांक है, इट मीन्स ये जो इधर का जो पार्ट बना है ये पूरा पूर्णांक बना है, पूर्णांक का मतलब होता है परिमेय संख्या, और इधर जो है वो है अपरिमेय संख्या है। क्या आप कभी बता सकते हो कि परिमेय संख्या और अपरिमेय दोनों बराबर हो सकती? नहीं हो सकती। जैसे हम कहें एक किलो शक्कर और एक लीटर तेल कभी बराबर नहीं हो सकते, वैसी तरह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। इट मीन्स हम यहां पर बोलेंगे अर्थात हमारे द्वारा मानी गई अवधारणा गलत या विरोधाभास है, अतः दी गई संख्या 6+√3 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हो गया आपका इति सिद्धम, जिसे हम बोलते हैं hence proved, ये इति सिद्धम। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। इस टाइप के आपके बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं, तो आप उन एग्जांपल्स को आप अपने बुक से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको हमने यहाँ पर मेथड समझाया है, हम इन वीडियोस में आपको सिर्फ ये समझाना या यानी कि ये पैटर्न समझाना चाहते हैं कि बहुत दिनों के लंबे समय में इस कोरोना के कारण से आपकी जो स्टडी में जो बहुत बड़ा गैप लग चुका है, इस गैप को हम कुछ टाइम्स में या कुछ वीडियोस में हम इस गैप को कवर करना चाहते हैं, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स इम्प्रूव कर सके। इसलिए हमने एक छोटे व्यू में हमने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस को हम फॉलो कर रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं, ताकि उनके माध्यम से हम आपका क्लेरिफिकेशन भी कर सकेंगे, कुछ बच्चों के जो डाउट्स होंगे क्वेश्चंस में वो भी सॉल्व हो जाएंगे, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको इन वीडियोस से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और जिन बच्चों का पढ़ाई से बिल्कुल लिंक टूट चुका है उन बच्चों को इन वीडियोस के माध्यम से वापस मोटिवेशनल यानी कि आपको वापस पढ़ने का एक रुझान प्राप्त होगा। इसलिए बच्चों आप सभी से यही उम्मीद करता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखकर आप अपने डेली के रूटीन में आप अपना एक फिक्स शेड्यूल कंप्लीट बनाकर और रेगुलर स्टडी करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आप रेगुलर डेली टू डेली आपको जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपको डेली टू डेली वो वीडियोस पढ़नी है, और हम धीरे धीरे हम आपको जो क्यों सेलेक्टेड क्वेश्चन है उनकी वीडियोस प्रोवाइड कराते जाएंगे, ताकि आपको अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके और आप डेली आप इन वीडियोस को देखें और जहां तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं उनको इन वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे।